हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं फ़िलहाल डेका पाम में हूँ, मेरा दोस्त का यहाँ पे हूँ। और आप देखो, कुछ दिखाना था, मैंने अभी कुछ लिया है ब्लॉगिंग करने के लिए, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, एक बार लॉक खोल के दिखा देता हूँ। ये है आईफोन 15, ब्लॉगिंग करने के लिए लिया है। तो अभी से आपको ये फ़ोन से अभी से आपको वीडियो दिखाई देगा। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो पे बने रहो। और मेरा दोस्त भी आया है, तका। हाय तका। और ये मेरा दोस्त भी इधर बैठा हुआ है। तो अभी हम लोग सब्जी वब्जी बनाएंगे, खाना वाना खाएंगे और यहाँ से सीधा घर चलते बनेंगे। तो लुक एट दिस माय न्यू फ़ोन। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने फ़ोन नहीं लिया है, फ़ोन मेरा दोस्त ने लिया है, मेलिफिक ने। तो अभी से वो भी वीडियो बनाएगी। वो तो हम लोग से भी पहले से बना रहा है, उसका अराउंड 1K सब्सक्राइब भी होने वाला है सब्सक्राइबर। तो उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा आज। आप लोग उसको भी प्यार दिखाइयो, उसे भी सब्सक्राइब कर देना। मैं उसका वो चैनल लिंक को या फिर मैं टैग कर दूंगा। तो वो नया फ़ोन लिया है, वो भी वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो पे बने रहो। और दोस्तों, अभी यहाँ पे हमारा बॉयल सब्जी बन रहा है। ये पूरा बगान से लिया हुआ बॉयल है। इसमें भी 5-6 प्रकार का सब्जी है, सब मिक्स करके बॉयल कर रहे हैं। और इधर राइस बन रहा है। तो ये सब खा के मज़ा से थोड़ा बैठ के हम लोग घर चले जाएंगे मैं यहाँ से। और आज धूप नहीं है, फिर भी गर्म हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। उमदुंग हो रहा है, मतलब एकदम वो हो रहा है, रोस्टिंग हो रहा है ना गर्म। और ये देखिए दोस्तों, हमारा मच्छी भी बन रहा है इधर। ये भी पकने वाला है। और इसमें मच्छी और बेम्बू शूट है, ड्राई बेम्बू शूट। और ये है बॉयल अपना, तो इसको भी फटक से बना लेते हैं। अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ। ये देखिए मेरा प्लेट, मच्छी का मठा, ये भी एक पीस है, बीन्स और ये पट्टा बॉयल। तो इसको खा लेते हैं और खा के यहाँ से घर जाएंगे। मम्मी भी फ़ोन कर रहा था। दोस्तों, अभी खा पी के भी बहुत देर रेस्ट किया, बात बात किया। अभी मैं सीधा घर चलूँगा यहाँ से, और आपको सीधा घर पहुंच के ही मिलूंगा मैं। और घर पे जो भी काम होगा वो सबको मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो पे बने रहो। तो गाइस, मैं घर पहुंच गया हूँ। अभी घर पहुंच के थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। और बहुत ही धूप है, मतलब बहुत धूप नहीं है, धूप कम हो रहा है, लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रहा है, क्या बहुत ही गर्म हो रहा है, मतलब एकदम सहन शक्ति से पार हो चुका है। तो अभी ऐसे थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ। और आज फिर काम करने वाला आया है, क्योंकि जो उस दिन बारिश का वजह से ये सारा फेंस जो दब गया है ना, तो अभी उससे क्या हो रहा है कि बकरी लोग वहाँ से बढ़िया से पार करके ये नीचे में जितना फूल वूल है सब खा रहे हैं। तो उसके लिए दो आदमी बुलाया है, ताकि फेंस जैसा बना दे यहाँ से, और बकरी वकरी ना आ सके। तो उसी का काम चल रहा है वहाँ पर। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए नीचे काम चल रहा है इसी का। वहाँ पे एक आया है, यहाँ एक अंकल आया है। तो अभी ऐसे करके बनाएंगे। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, शायद और उस साइड में भी कहीं पे बनाने के लिए होगा, तो वहाँ भी बनाएगा अभी। तो इनको भी मानना पड़ेगा, इतना गर्म में काम कर रहे हैं। और मम्मी सारा मेरा कपड़ा धुला के रखा हुआ है इधर, तो उनको करने देते हैं। तो गाइस, सबको अभी मैं दिखाता हूँ हमारा सुअर। बहुत दिन हो गया, 3-4 सप्ताह हो गया शायद, आप लोग को मैंने नहीं दिखाया है। एक बार देखिए। और मम्मी यहाँ पे पानी दे रहे, उनको नहला रहा है, बहुत गर्म है ना। तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है और कुछ ऐसा देख रहा है अभी। वो लोग मस्त शावर ले रहे हैं, और हम लोग इसको भी साफ़ कर रहे हैं, ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए, मतलब गंदा ना रहे, हाइजीन रहे। तो ये देखिए, अभी वो लोग बढ़िया से नहा रहे हैं। और अचानक से धूप इतना निकल गया है, देखिए ना, वाह कितना मज़ा ला रहा है, देखिए ना। तो ठीक है, उनको थोड़ा देर नहलाएंगे और चलते बनेंगे यहाँ से। और ये देखिए नाना, हमको देख के कितना खुशी हो रहा है, कल हमको बहुत मिस किया होगा। ना हमको मिस किया था, आई नाना पन्ना आई। और ये देखिए दोस्तों, मेरा दीदी ने हमको चप्पल भेजा है, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइयो, अच्छा लग रहा है कि नहीं। और ये है नाना, नाना पना। अभी नाना को भी नहलाएंगे, बहुत गर्म हो रहा है ये भी।
तो ये सब काम कर लेता हूँ, पहले मैं इसको नहला लेता हूँ। अभी मैं नाना को भी नहला लिया, नहला के इधर बांध के रख दिया है, नहीं तो क्या होगा कि ये नहलाने का बाद ना इधर उधर मिट्टी विट्टी में भागता ही है तो फिर गंदा ही हो जाता है। तो इसके लिए इसको नहला के थोड़ा देर रखेंगे, जब इसका ये सब इसका बाल जब सूख जाएगा तब खोल देंगे, नहीं तो अभी फिर भीजा भीजा अगर वो मिट्टी विट्टी में घूमने से फिर नहलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, तो इसलिए बांध के रख दिया है। तो इसको रहने देते हैं थोड़ी देर और दोस्तों ये धूप देखिए कैसा धूप आ गया अभी देखिए, हे भगवान आदमी पागल हो जाएगा ये धूप में। और हमें आप लोग पूछते रहते हो घर घर कैसा बनाया है एक बार दिखाओ, तो वन से कलर वलर मारने का काम सब डन हो जाए और 1K प्लस सब्सक्राइबर आ जाए तब मैं दिखाऊंगा अच्छा से, एक बार तोड़ दूंगा आप लोग को। तब तक आप लोग इसे बाहर से देख सकते हो, वंस ये सब आ जाए कलर वलर लगा के फिनिश हो जाए और 1000+ सब्सक्राइबर आ जाए तब मैं अच्छा से एक दिन होम तोड़ दूंगा, जैसे कि मान लो हाउस वार्मिंग कुछ होगा तब अच्छा से बना के आप लोग को मैं दिखाऊंगा। तब हम लोग जा रहे हैं वो भैया लोग को चाय देने के लिए, मिस्त्री भैया लोग को, और साथ में नाना भी पूरा मम्मी का पीछे पीछे जा रहे हैं। आओ नाना आओ चाय देगा, आओ 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 नाना आओ आओ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और गाइस थोड़ा सा स्लाइटली चेंजेस किए हैं हम लोग, पहले मैं बताया था आप लोग को कि ऐसा सीधा से मारने के लिए, लेकिन हम लोग का थोड़ा प्लान में चेंजेस आ गया है, तो अभी हम लोग ऐसे राउंड करके मार रहे हैं ताकि ये सारा सब्जी बगान भी बच जाए और ये फूल वगैरह भी बच जाए, नहीं तो क्या हो कि अगर हम लोग ऐसे सीधा भी मार देंगे ना तो फिर वो पोर्शन जो दूसरा का है तो वहाँ से ऐसे होके घूम के आएंगे तो मतलब मारने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से लगा दिया फिर वो दूसरा का ज़मीन है फिर वहाँ से आ जाएगा, तो इससे बेहतर है ऐसा राउंड करके ऐसा लगा दिया है तो फ़ायदा है ये अपने लिए। तो अभी भैया लोग को भी चाय देंगे, ये ग्लास लेके जा रहा हूँ मैं अभी, नाना उधर मत जाओ कीचड़ है, तो ठीक है उनको चाय वाय दे लेते हैं अभी। बस चलो नाना चलो 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 दोनों भागो 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 भागो। तो अभी मैं जाऊंगा सुअर देना लेने के लिए, वो गांव से लेंगे अंदर गांव से, मम्मी पैसा वैसा दे के रखा हुआ है बस जाके वहां से लेके आना है, तो अभी जा रहा हूँ देना लेने के लिए। तो गाइस ये है गौरी देना, इसको मुझे लेके जाना है घर, बहुत ही भारी है 30 किलो जैसा होगा, तो ठीक है इसको मैं फटक से घर लेके जाता हूँ अभी। तो गाइस मैं घर पहुँचने वाला हूँ, बहुत भारी है, हालत ख़राब हो गया है मेरा इसको भुगते भुगते, चलो थक गया मैं माँ, अभी नहाएंगे बहुत ही गर्म लग रहा है। तो दोस्तों नहा धो के भी फ्रेश अप हो गया हूँ और अभी थोड़ा रिलैक्स करेंगे, बाहर थोड़ा जाएंगे घूमने के लिए। पूरा वीडियो यही तक था, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करने के लिए ना भूलिए। आपको फिर से मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय गाइस, गुड नाइट।